हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को आप देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आप सभी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कल हमने आप सभी के कोर्स नंबर 501 में सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप सभी ने काफ़ी कमेंट किया कि सर सेक्शन ए को पहले आप डिस्कस कर लें, उसके बाद सेक्शन बी को आप डिस्कस करेंगे। तो आज इस एक ही वीडियो में आपके तीनों कोर्सेज के सेक्शन ए के क्वेश्चन और आंसर को हम देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखें, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी 30 क्वेश्चंस। अभी हम ये वीडियो इंग्लिश में देखेंगे और कुछ देर के बाद आप सभी को जो वीडियो है ये हिंदी में मिलेगी आप सभी के चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को कर दे लाइक, लाइक की बटन आपको नीचे मिलेगी, सभी को लाइक करना है, और अपने चैनल को कर दे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब की भी बटन आपको मिल जाएगी, और बगल की जो बेल की बटन है इसे कर देंगे प्रेस, ताकि आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन ए से, कोर्स नंबर 501 के सेक्शन ए से। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज प्रिपेयर्ड बाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एमसीक्यू है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो आपके सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, सभी के सभी एमसीक्यूज़ आप सभी के स्वयं के टेस्ट से लिए गए हैं। तो स्वयं की जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने चैनल पे जाके सारे टेस्ट को भी देख सकते हैं और अपने ऐप पे आप अपने टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो सारे टेस्ट को आप देखें, 20 नंबर आपका एग्ज़ाम में एकदम फिक्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज प्रिपेयर्ड बाई लॉर्ड मैकुले, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द ईयर, NCERT इन द ईयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर फोर, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इज। चार ऑप्शन हैं आपके पास, सही आंसर होगा फ्रॉम क्लास 1 to class 8, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और मैंने इस PDF में आप सभी के आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं, ताकि आप यहां से जाके देख सकते हैं। वन का सही आंसर होगा बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड इन। सही आंसर होगा NEP 1986 एंड द प्लान ऑफ एक्शन 1992। यहाँ पे होगा NPE, मिसप्रिंटिंग है, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और प्लान ऑफ एक्शन POA 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्रिज स्कूल मॉडल वॉज एडॉप्टेड फॉर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउट ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी जो चिल्ड्रेन स्कूल से बाहर रहते थे उन सभी के लिए इस मॉडल को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, फुल नेम ऑफ DPEP इज। इस क्वेश्चन को हमने एवरब्रिएशंस वाले वीडियो में भी देखा था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DPEP। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर एट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ जोमिटन कॉन्फ्रेंस रीअफर्म्ड द राइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर होगा एवरी सिटीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, E9 कंट्रीज मीन्स। सही आंसर होगा हाई पॉपुलेशन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर टेन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स हैज़ गिवन इन द आर्टिकल। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही आंसर होगा 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए कोर्स नंबर 502 के बारे में। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर वॉज सजेस्टेड बाई। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसके भी आंसर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। सेकंड क्वेश्चन, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL वर द फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। चार ऑप्शन हैं आप सभी के पास, सही आंसर होगा शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का,
स्पेसिमेंस यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी प्लान इन अ यूनिट प्लान। चार ऑप्शन हैं आप सभी के पास, सही आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ यूनिट इनटू सब यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन मींस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटिंग बियॉन्ड द सब्जेक्ट एरियाज। आपको इसके आंसर्स इसके ठीक बगल में मिल जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शंस जो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। चार ऑप्शन हैं, सही आंसर होगा आर्टिकल 350A, वैल्यू जजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सही आंसर है इवैल्यूएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल। सही आंसर होगा क्वेश्चन आयर, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे कोर्स नंबर 503 के बारे में। आप सभी इस PDF को नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके एक घंटे पहले आप इस PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आपको सेम क्वेश्चन पूछे जा सकें, बट ये आपका सैम्पल है, इसे भी आपको जानना होगा कि क्या क्वेश्चन हैं और इसके आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको क्वेश्चन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कोर्स नंबर 503 में, और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको 20 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड एज अ डैश कंट्री। सही आंसर होगा मल्टीलिंगुअल कंट्री। इसके आंसर्स मैंने नीचे यहाँ पे लगा दिए हैं, पेस्ट कर दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज आर देयर इन इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। सही आंसर होगा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज। 17, हाउ मेनी लैंग्वेज आर मैंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिंग्विस्टिक्स। चार ऑप्शन दिए होंगे आपको, सही आंसर होगा डिक्शनरी एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी फॉर्म अ नाउन कैन हैव इन हिंदी। चार ऑप्शंस हैं, सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। सही आंसर होगा 2 हेमिस्फीयर्स, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच स्टेज वर चिल्ड्रेंस मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय बोथ ओवर जनरलाइजेशन एंड अंडर जनरलाइजेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ड स्टेज। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच ऑफ अ चाइल्ड गॉट सेवरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। चार ऑप्शन हैं आप सभी के पास, सही आंसर होगा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन डैमेज्ड। और ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के आंसर्स कोर्स नंबर 503 के। तो आप सभी को सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन के सही जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको एग्जाम में मिलेगा 20 नंबर। और मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी के स्वयं पर अभी फिलहाल टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपने टेस्ट को नहीं दिया है तो आप जाएं अपने टेस्ट को दें। अभी आप सभी के स्वयं पे मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, कोर्स नंबर 502 में वीक नंबर 5 में अभी टेस्ट चल रहा है 21 क्वेश्चंस का। कोर्स नंबर 503 वीक नंबर 5 में 98 क्वेश्चंस का टेस्ट चल रहा है। कोर्स नंबर 504 वीक नंबर 5 में 20 क्वेश्चंस के आपको टेस्ट चल रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जो आपके स्वयं पे अभी चल रहे हैं, तो आप जाएं इन टेस्ट को दें और अपने चैनल से बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। कल आप सभी के चैनल पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इंग्लिश और हिंदी में जो आपकी कोर्स नंबर 501 है उसकी सेक्शन बी की आंसर अपलोड की थी। कल आप सभी को यानी कल ठीक इसी समय क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर्स देखने को मिलेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी के वेबसाइट पे आपके सैंपल पेपर्स को अपलोड किया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लें इसके बारे में। और ये सैम्पल पेपर NIUS ने खुद अपलोड किया है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को। अभी हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया और कल आप सभी के चैनल पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक को डिस्कस किया गया था। और आने वाले कल में यानी टुमारो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। अभी इसकी हिंदी वर्जन आएगी, अभी जिन पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है इसकी हिंदी की वीडियो भी जल्द ही आपके चैनल पे आएगी। तो चैनल से बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव इंडिया।